कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रमेश सिंह जी, जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में, और आज हमें जानकारी देंगे बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनों के बारे में। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। रमेश जी, सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो कानून है वो क्या है? देखिए मनोज जी, जो हमारा भारतीय संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार प्रदान करता है, और उसी अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2002 में एक ऐसा कानून बनाया गया जो कि बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान करता है जी। और चूँकि ये सरकार का दायित्व है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक हैं जी, उनको शिक्षा उपलब्ध कराए जी, ताकि ऐसे बालक शिक्षा के माध्यम से अपना जो विकास है सर्वांगीण विकास कर सके, और वो जो शिक्षा क्योंकि कक्षा 8 तक की शिक्षा होती है वो उन बालकों को प्राप्त होगी, और ऐसी स्थिति में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी बालकों के। जो ऐसे बच्चे होंगे उनको शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कोई भी माता पिता या संरक्षक या कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता जी। ये उनका मूल अधिकार है जी। इसलिए जो शिक्षा का अधिकार है उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य बताया गया है जी। कोई भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान ये प्रावधान करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होना चाहिए, और वो तभी शिक्षित होगा जबकि इसको अनिवार्य कर दिया जाए जी। तो शिक्षा का अधिकार हमें बालकों को शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में प्रावधानित है जी। जी जी हाँ। तो इस कानून से संबंधित ये समय सीमा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ही क्यों अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को क्यों नहीं दिया गया जी? 6 वर्ष जब बच्चा किसी स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसकी जो मिनिमम आयु है वो 6 वर्ष कक्षा 1 में 6 वर्ष मतलब 5 वर्ष पूरे किए जाने चाहिए जी। और 5 वर्ष जब वो पूरे कर लेता है तब कक्षा 1 में प्रवेश लेता है जी। और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर 14 वर्ष की आयु तक जो है कक्षा 8 की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो बेसिक है, शुरुआती शिक्षा है, और ऐसी स्थिति में उसे अक्षर ज्ञान और लिखना पढ़ना सब आ जाता है, ऐसा कि वो लिख पढ़ सकता है, कहीं पर भी अपने जीवन में उसे लिखने पढ़ने की आवश्यकता होती है तो वो उसको कर सकता है। और विद्यालय में बच्चे के दाखिले के समय क्या माता पिता का साक्षात्कार होना चाहिए, क्या ये अनिवार्य है? देखिए विद्यालय में चूँकि माता पिता का साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं होता, विद्यालय में यदि बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो शिक्षा के लिए जा रहा है, ना कि माता पिता उसके पढ़ने जाते हैं जी। विद्यालय में यदि कोई स्कूल से साक्षात्कार लेता है माता पिता का उसके या उसके संरक्षक का जी, तो वो एक गैरकानूनी है और एक अपराध है। ऐसी स्थिति में उनको दंड का प्रावधान है, और ऐसे स्कूल यदि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कहाँ शिकायत कर सकते हैं यदि ऐसे विद्यालय हैं जो माता पिता का साक्षात्कार लेने पर जोर डालते हैं जी, जी, तो अभिभावक कहाँ शिकायत कर सकते हैं? देखिए इस संबंध में आप किसी भी संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष या शिक्षा अधिकारी के समक्ष भी शिकायत कर सकते हैं जी। ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की क्या भूमिका है इस संबंध में? देखिए मनोज जी, जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं उसकी में विशेष महत्व रहता है। शिक्षा का जो अधिकार है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय हैं उनकी जिम्मेदारियों को भी इनके ऊपर आरोपित करता है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालक को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण एवं नगरीय निकाय हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बारे में देखें कि कौन से ऐसे बालक हैं जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच हैं और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जी। और क्यों क्या क्या कारण हैं, किस कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जी। तो उनको स्कूल तक पहुंचाएं, ये ग्रामीण और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी बनती है जी। देखें कि उनके अपने क्षेत्र में देखें कि बालकों के द्वारा जो शिक्षा उन्हें मिल रही है क्या वो सही मिल रही है, क्या उनको सही प्रकार से जो सरकार की जो द्वारा उनको सुविधाएं दी जा रही हैं वो सही प्रकार से मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त नगरीय और ग्रामीण निकाय ये भी देखेंगे कि कहीं पर विद्यालय है या नहीं है जी, या भवन है या नहीं है, या वहाँ पर पर्याप्त अध्यापक हैं या नहीं है जी। तो वहाँ ये सब देखना विद्यालय नगरीय और ग्रामीण निकायों की पंचायत
स्तर पर जिम्मेदारी बनती है कि भाई जाकर देखें कि भाई भवन का वो करें, उसके उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। यदि वहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है तो उस संबंध में सरकार को, सरकार के माध्यम से वहाँ विद्यालय वगैरह के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया कार्रवाई करें और वहाँ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। जी, ये जो दो संस्थान हैं, ये इन क्या इन दोनों संस्थानों का इस दिशा में भी कोई हस्तक्षेप है? मान लीजिए यदि कोई अभिभावक हैं और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में जाए या स्कूल में जाए या वो शिक्षा ग्रहण करे और उसकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है, तो क्या उसे समझाने का प्रयत्न करना? जी 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 जी, देखिए ऐसे माता पिता को समझाने का प्रयत्न समझाना चाहिए, उनको बताने की सारी जिम्मेदारी इनकी, इनको कहना चाहिए कि भैया आपके बालक का पढ़ना कितना अनिवार्य है, उनके अंदर जागरूकता लानी अनिवार्य है। आज के इस दौर में शिक्षा एक अनिवार्य रूप में है, इसीलिए इसको जीने के अधिकार में शामिल किया गया, क्योंकि जीने के अधिकार से मतलब है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार। हमारा संविधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति गरिमा के साथ जिए। यदि कोई कोई बालक शिक्षित होगा तो उसके अंदर और विश्वास आएगा और वो जो काम जिस चीज़ को सिर्फ वो देख कर समझ सकता था फिर वो उसको पढ़ेगा फिर उस चीज़ पर लिखेगा, तो उसके माध्यम से उसके अंदर विकास होगा। और बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जिसको कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है या और भी कोई कानूनी वगैरह कुछ जानकारी जाननी, कहीं पर भी कुछ व्यवहार होगा उसमें उसके, वो सहायक होगी। इसलिए ऐसे माता पिता जो कि ऐसे बालकों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनको समझाया जाए, उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि उनका बालक स्कूल जा सके। जी, और विद्यालय में बच्चों के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर क्या शिक्षक का अधिकार रोक लगाता है? जी जी जी, देखिए जहाँ तक विद्यालयों में अध्यापक के द्वारा किसी बालक या बालिका के साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से संबंधित विषय का प्रश्न है जी, तो ऐसी स्थिति में ये एक कानूनन अपराध है जी। कोई भी अध्यापक या सहायक अध्यापक या कोई भी बालक के साथ विद्यालय में कोई भी इस प्रकार का जैसे मारपीट करना या उसे मानसिक रूप से ऐसे शब्द बोलना, कोई जाति सूचक शब्द बोलना या उसको अन्य किसी रूप में प्रताड़ित करेगा तो वो एक अपराध है और उसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है न्यायालय के। रमेश जी, हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी और दें कि यदि ऐसा कोई वाकया उनके जानकारी में आता है तो वो कहाँ जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं? देखिए इस संबंध में जो शिकायत है, जैसा कि हमने बताया, किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष या इसके विद्यालय जो हमारा प्रशासन है उनके समक्ष भी शिकायत कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष इसमें शिकायत करें और उसके माध्यम से उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये हमने अभी बात की बच्चों के शिक्षा से संबंधित अधिकारों के बारे में। अब हम बात करते हैं बाल विवाह के विषय में। ये बाल विवाह क्या है रमेश जी? बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिसको कि जब जो बालक और बालिका वयस्कता में प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि बालिका की उम्र विवाह के लिए 18 वर्ष होनी अनिवार्य है जी, जी। और बालक की जो वयस्क की उसकी उम्र 21 वर्ष होनी विवाह के लिए अनिवार्य है जी। यदि किसी के द्वारा इस 21 वर्ष यदि वो बालक है और 21 वर्ष से कम आयु का है और यदि वो बालिका है और 18 वर्ष से कम आयु की है और उनके द्वारा यदि विवाह किया जाता है तो वो विवाह बाल विवाह कहलाता है जी, क्योंकि वो विवाह के योग्य तब तक नहीं है जब तक कि वो अपनी आयु जो कि कानून द्वारा निर्धारित की गई है, लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है जी, जब तक वो आयु पूर्ण नहीं कर लेते ऐसा विवाह कहलाता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। तो यदि बाल विवाह होता है कहीं तो उस दशा में दोषी कौन माना जाएगा? क्या जिनका विवाह हो रहा है उन्हें दोषी माना जाएगा? देखिए बाल विवाह में तो माता पिता जी, जिनके माता पिता हैं जी, वो माता पिता दोषी होंगे जो विवाह करा रहे हैं जी। रिश्तेदार भी दोषी होंगे जो कि उसमें जो रिश्तेदार जिनके माध्यम से विवाह हो रहा है। इवन ये लगाइए कि जो उस पर विवाह में शामिल हो रहे हैं जी, सारे लोग दोषी होंगे। पंडित जो उस विवाह को संपन्न करा रहा है वो भी दोषी माना जाएगा उसमें, यानी कि जो जो लोग भी इसमें विवाह में शामिल हुए, माता पिता हैं, संरक्षक हैं या अन्य जो भी हैं, पंडित है जो जिसने विवाह करा, सारे लोग उसमें दोषी माने जाएंगे। यदि किसी का बाल विवाह हो चुका है जी और वो उसको अवैध घोषित कराना चाहते हैं जी, तो वही जिनका विवाह हुआ है, क्योंकि वो तो उनका विवाह तब हुआ है जबकि कानून द्वारा निर्धारित आयु के बाद था
जी। बालक थे, उनका बाल विवाह था, जब वो बालक थे तब उनका आयु हुआ, तब उनका विवाह हुआ जी। उसके लिए यही हो सकता है कि वो न्यायालय में यदि जब वो वयस्क हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं और जो लड़का है वो 21 वर्ष की आयु पूरी करता है जी, जी। तो वो न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं कि साहब हमारा जो विवाह, ये बाल विवाह हुआ था और हम इसको शून्य घोषित कराना चाहते हैं, अवैध घोषित कराना चाहते हैं। तो वो न्यायालय में 2 साल के अंदर, यानी कि जब वो बालिग होते हैं, जैसे ही वयस्कता प्राप्त करते हैं जी, जी। उसके 2 साल के अंदर न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उस विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं जी। तो ऐसी दशा में क्या ये नहीं माना जाएगा कि जब उनका बाल विवाह हुआ था तो उस समय क्यों हुआ था, कौन लोग दोषी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो देखिए जहाँ तक वो तो कार्रवाई उस समय होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय नहीं की। अब उनके पास यही है, यदि वो दोनों जो विवाहित पक्षकार हैं जिनका विवाह आपस में हुआ है, उनके पास यही उपचार है कि वो यदि उनको अपने विवाह से यदि अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं, नहीं चाहते कि भाई हमारी हम इस तरीके का विवाह नहीं होना चाहिए था और वो सब वो आपस में एक खुश नहीं है, तो वो इस विवाह को अवैध घोषित करने वाले में उसे अवैध घोषित करा सकते हैं जी। रमेश जी, बच्चों के गिरवीकरण के बारे में और हमारे दर्शकों की थोड़ी जानकारी बढ़ाएं। जी जी जी, देखिए बच्चों का जो गिरवीकरण है ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विषय है, और अक्सर देखा जाता है कि गरीबी के कारण जो हमारे समाज में बहुत से माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते जी। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वो माता पिता, अपने बच्चे को जो धनी लोग होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, उनके यहाँ काम के लिए भेज देते हैं जी, या उनसे मौखिक रूप से या लिखित रूप से करार कर लेते हैं कि हम बालक को आपको दे रहे हैं जी, इस बालक से आप काम कराइए जी, और हमें बस आप जो है महीने में इतना पैसा दे दिया करें। मतलब एक तरह से गिरवी रख देते हैं बालक को, यानी कि उनको दे दिया जी, बालक से काम कराया जाता है, श्रम कराया जाता है घर में, जो धनी लोग जो पैसे वाले लोग होते हैं ऐसे बच्चों को रखते हैं, उनसे काम कराते हैं जी। और लेकिन एक चीज़ और है, ऐसे बालक की उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि 15 वर्ष तक की आयु के बालक तक पर ये जो हमारा गिरवीकरण है ये अधिनियम लागू होता है जी। तो ऐसे बालक जो कि मतलब कि गरीब परिवार से हैं और बेचारे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, और उनके माता पिता द्वारा उनको धनी लोगों के सुपुर्द कर दिया जाता है जी, और वो उनसे काम कराते हैं, वो गिरवीकरण कहलाता है। बाल श्रम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमारे दर्शकों को दे। बाल श्रम आमतौर पर सुनने में आता है, लेकिन किस आयु सीमा तक के बच्चे इस श्रेणी में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए बाल श्रम भारत जैसे देश में बहुत ही विकट समस्या है, ये बाल श्रम कि 6 वर्ष हमारा जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक हैं उनसे श्रम कराया जाता है उनको, जबकि जो उम्र उनकी स्कूलों में जाने की है जी, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होने का उम्र है, ऐसी स्थिति में उनसे काम कराया जाता है, उस उम्र में काम कराया जाता है। यानी कि हमारा जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है वो ये कहता है कि 14 वर्ष तक के आयु के बालक से किसी भी प्रकार का श्रम यानी कि मजदूरी या जोखिम भरे काम या काम ना कराया जाए जी, उसको उसकी वो एज शिक्षा दीक्षा के लिए उसे स्कूल भेजा जाए। इसी सब देखते हुए शिक्षा का अधिकार आया, हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसीलिए आया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बालक को शिक्षा तो मिले, जो उम्र उसके स्कूल में जाने की है वो उस उम्र में काम कर रहा है। बाल श्रम के अंतर्गत जोखिम भरे कामों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कृपया बताएं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको जोखिम भरे कामों की श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए बाल श्रम के अंतर्गत जोखिम भरे काम जैसे इमारतों में काम कराना, उनसे पत्थर ढुलवाना, उनसे वजन ढुलवाना, बोरियाँ ढुलवाना, उनसे धूप में काम कराना, मतलब भारी भरकम काम, जोखिम भरे जो कि उसकी जिंदगी को खतरे में डालते हों जी, जोखिम भरे काम होते हैं ये, और भी बहुत से काम होते हैं जिनको जोखिम भरे जो जिसको वो करने में सक्षम नहीं है जी, तो ऐसे काम जो है नहीं कराने चाहिए, वो जोखिम भरे काम के अंतर्गत आते हैं जी। और बाल श्रम को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए बाल श्रम को जो रोकने के लिए सबसे पहले तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी जरूरी है जी, कि लोगों को कानूनी रूप से अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई क्या अगर उनके द्वारा बाल श्रम कराया जाता है तो उसके उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उनको जेल भी भेजा जा सकता है, और इसके अतिरिक्त
बच्चों में जो है शिक्षा, लोगों में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, उनको शिक्षित के लोग के जो माता पिता हैं वो शिक्षा, उनको अधिक से अधिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको शिक्षा का महत्व बताना चाहिए और उसका जो बाल श्रम कराने का जो मतलब जो नुकसान है वो उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जगह जगह शिविरों के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों में ये जागरूकता लानी चाहिए कि बाल श्रम किस प्रकार से एक बालक के लिए घातक होता है। जी। बाल श्रम उस समय के लिए तो वो करा लेते हैं लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या हो गए, उनको बताया जाना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि यदि आप कराओगे तो बाल श्रम यदि आपके द्वारा कराया जाता है तो आप किस प्रकार का अपराध कर रहे हैं, इसलिए और बाल श्रम से उनके बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको उसके जो माता पिता हैं उनके संरक्षक हैं उनको बताया जाना चाहिए, तभी बाल श्रम पर जो है रोक लगाई जा सकती है। जी दर्शकों, अभी हमने बात की शिक्षा से संबंधित और श्रम से संबंधित, बच्चों को किस आयु तक शिक्षा मिलनी अनिवार्य है और बाल श्रम से संबंधित हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे अपराधों से संबंधित। बाल अपराध, ये शब्द आमतौर पर सुनने में आता है, ये बाल अपराध क्या है रमेश जी? देखिए मनोज जी, ऐसे अपराध जो कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किए जाते हैं जी, वो बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी बालक की आयु 18 वर्ष से कम है और उसके द्वारा कोई समाज में कोई अपराध किया जाता है तो वो बाल अपराधी कहलाता है। और ऐसे अपराध और 18 वर्ष से ऊपर के जो बालक व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाएगा वो बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है जी। तो बाल अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कोई विशेष पुलिस यूनिट का गठन किया गया? जी हाँ। देखिए बाल जो अपराधी होते हैं उनके उनको जो गिरफ्तारी की जाती है उनको ये सामान्य पुलिस द्वारा नहीं की जाती, उसके लिए एक विशेष किशोर पुलिस होती है जिनके माध्यम से उस बालक को गिरफ्तार किया जाता है और वो जो विशेष जो किशोर पुलिस है वो ही उसमें बालक को गिरफ्तार करके जो है संबंधित जो किशोर न्याय बोर्ड है उसके समक्ष पेश करती है और उसके बाद उसको जो भी कार्रवाई वगैरह करनी होती है साक्ष्य वगैरह वो सब किशोर विशेष किशोर पुलिस द्वारा किया जाता है। तो किशोरों के लिए न्यायालय व्यवस्था भी अलग है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमारे जो बाल अपराधी होते हैं जो बाल मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके अपराध के उन्हें बाल अपराधी जैसा कि मैंने बताया कहा जाता है, तो उनके लिए विशेष न्यायालय हैं जिन्हें हम किशोर न्याय बोर्ड कहते हैं, उन्हें न्यायालय नहीं कहते जी, उनको बोलते हैं किशोर न्याय बोर्ड। तो ये किशोर न्याय बोर्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी। देखिए किशोर न्याय बोर्ड जो है ये उनका काम ये होता है कि उसमें बालकों से संबंधित जो बालकों ने जो अपराध किए हैं उनकी जाँच करना जी, उनकी जाँच करने के उपरांत उनको देखना कि बालक ने किन परिस्थितियों में अपराध किया है और क्या बालक को इस संबंध में और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनका उसमें सुधारात्मक प्रकृति पैदा हो और बालक का जीवन जो भटक गया था वो या जाने वो अनजाने में कोई अपराध उससे हो गया है अवोत्पन्न में, तो उससे उसको सही दिशा दी जा सके, उसमें सुधारात्मक प्रकृति के रूप में कार्य करेगा किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड जो है बालक को एक अपराधी की तरह ट्रीट नहीं करेगा जी, उसको एक बालक की तरह ट्रीट करेगा जी। जो किशोर न्याय बोर्ड है उसमें जो है बालक जब वहाँ जब जाएगा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जी, तो वहाँ बिल्कुल एकदम उसका पारिवारिक माहौल होगा जी, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी न्यायालय जैसा वातावरण नहीं होगा जी, क्योंकि बालक का जो मन होता है बड़ा ही कोमल होता है, उसके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिससे कि बालक का जो मानसिक रूप से किसी प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव पड़े कि वो पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा कौन सा वो कर दिया जिससे कि वो भयव्याप्त हो जाएगा। तो क्या बाल अपराधी को और सामान्य अपराधी को एक साथ जेल में एक ही जेल में रखा जा सकता है? देखिए जो बाल अपराधी होते हैं और जो सामान्य अपराधी होते हैं उनको एक साथ जेल में नहीं रखा जा सकता जी, क्योंकि बाल जो हमारा बाल अपराधी होता है बालक जो होता है उसका देखिए उसके साथ यदि हम सामान्य अपराधी के साथ उसको रख देंगे तो बड़ा वो तो बड़े ही बालक है और उसके साथ संगति में रहकर वो उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा सामान्य अपराधी का जी।
रमेश जी, थोड़ा बाल कल्याण समिति के बारे में और जानकारी दें हमारे दर्शकों को। बाल कल्याण समिति प्रत्येक जिले में जो हमारी सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। बाल कल्याण समिति का कार्य यही होता है कि बालकों से संबंधित कोई भी यदि समस्या है तो उसको दूर करना। मान लीजिए अगर किसी बालक को कहीं पर लावारिस बालक मिलता है और पुलिस द्वारा उसको पकड़ा जाता है, पुलिस उसको बरामद करती है, मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण समिति जो है वो काम अपना करती है जी। पुलिस द्वारा ऐसे बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और बाल कल्याण समिति उस बालक को, क्योंकि समिति अब सबसे पहले हम बताएंगे कि बाल कल्याण समिति है क्या। बाल कल्याण समिति में 5 लोग होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 4 इसके मेंबर होते हैं जी। ठीक है, 4 मेंबर होते हैं। उन लोगों का काम यही होता है कि बालक को सही जगह पहुंचाना, सही स्थान पर उसको, यहाँ उसको शिक्षा की आवश्यकता, उसके लिए शिक्षा का होना। तो बाल कल्याण समिति में जो है वो उनका यही काम होता है उसके, जो कि जैसे किसी बालक को उनके पास पेश किया जाता है तो उस बालक को उनके माता पिता के सपोर्ट किया जाना सपोर्ट करेगी, या यदि उनको लगता है कि इसको बाल गृह में रखना है, राजकीय बाल गृह में रखा जाए तो उस बालक को बाल गृह में रखा जाएगा, या उसको लगता है कि किसी इस बालक को शिक्षा दीक्षा आवश्यक है बाल गृह में तो शिक्षा दीक्षा के लिए उसके सब चीज़ें, मतलब बालक का विकास, उसकी उसका बालक के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसको बालक को अपना निर्णय लेना, ऐसे इसका जो है बाल कल्याण समिति का काम है। जैसा कि अभी हमने बात चर्चा चल रही थी, जो बाल अपराधी जिनको कहा गया है, बाल अपराधी 18 वर्ष के आयु के होते हैं जी। तो जब जांच होती है उनके अपराध की, और अपराध में यदि किसी बालक को दोषी पाया जाता है कि इसके द्वारा वो अपराध किया गया है जी। तो उसको जेल नहीं भेज सकते जी। उसको किशोर न्याय बोर्ड जो है जेल नहीं भेज सकता जी। क्योंकि ऐसी स्थिति में किशोर न्याय बोर्ड जो है वो ये देखेगा कि क्या इस बालक को सुधारा जाए ताकि इसका भविष्य का निर्माण हो सके, और इस बालक को सुधारने के लिए जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा जो है विशेष गृह स्थापित किए गए हैं। तो यदि कोई बाल अपराधी किसी सामान्य अपराधी के साथ मिलकर किसी अपराध को अंजाम दे देता है तो क्या उन दोनों को एक ही कटघरे में रखकर एक ही न्यायालय में एक ही प्रकार की सजा सुनाई जा सकती है उस अपराध के तहत? देखिए मनोज जी, यदि किसी बाल अपराधी और सामान्य व्यक्ति अपराधी द्वारा कोई अपराध एक साथ किया जाता है जी, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होगा कि दोनों के मुकदमा एक न्यायालय में चले। हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जो बाल अपराधी है उसका न्यायालय मुकदमा, उसका मुकदमा नहीं, उसका जांच की जाती है उसके मामले में, उसकी जांच जो है किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाएगी जी। हाँ, और जो सामान्य अपराधी है उसका मुकदमा सामान्य न्यायालय में चलेगा जी। भले ही दोनों ने अपराध एक साथ हुआ है, दोनों में अपराध में दोनों एक साथ शामिल हों, लेकिन चूंकि वो बालक है उसके लिए अलग बालक किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किया गया, तो उस बालक का मुकदमा जो चल, बालक के जो जांच होगी, जांच जो होगी वो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाएगी, लेकिन सामान्य अपराधी जो होगा उसकी मुकदमा जो है वो अन्य जो सक्षम न्यायालय है उसमें चलेगा, दोनों का एक साथ विचारण नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने बच्चों के अधिकारों के बारे में दी। तो दर्शकों, ये थे रमेश जी जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।